तो आज हम क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर नंबर थर्ड है उसको स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर का नाम है गोदोहनम। गोदोहनम का मतलब होता है गाय का दोहन। गाय का दोहन कैसे कर सकते हैं, मतलब हम गाय का दूध निकाल के गाय का दोहन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बेटा ये एक नाटक है, ये नाटक है। इस नाटक में ये बताया गया है कि इस नाटक का मेन हीरो कौन है, चंदन है, और मल्लिका क्या है इसमें हीरोइन है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो ये इस नाटक का जो हीरो है वो क्या करता है, महीने भर तक जो है वो गाय का दूध नहीं निकालता है, धनवान होने की इच्छा करता है और महीने भर तक क्या करता है, गाय का दूध नहीं निकालता है। गाय का दूध नहीं निकालता है और सोचता है कि अंत में मैं क्या कर रहा, सारा दूध जो है एक साथ निकाल लूँगा और फिर क्या करूँगा, मैं जो है वो धनवान हो जाऊँगा। लेकिन जब गाय के पास जाता है तो, और गाय का नाम क्या है, यहाँ पर गाय का नाम जो है बेटा नंदिनी है। नंदिनी जो है इस यहाँ पर जो है चंदन का पलने वाली जो है वो गाय है, जो क्या करती है उसको दूध देने का कार्य करती है, जिसके द्वारा क्या होता है चंदन की जो परिवार का वो भरण पोषण करता है। तो क्या करता है, फिर चंदन क्या करता है, महीने भर तक जो है उसका गाय का दूध नहीं निकालता है, और जब वो वापस दूध निकालने का प्रयास करता है महीने के अंत में जब उसको आवश्यकता पड़ती है, तो जब वो दूध निकालने का प्रयास करता है तो फिर क्या करती है, गाय उसको क्या करती है, एक बूंद भी दूध नहीं देती है, उल्टा क्या करता है अपने पैरों से उसको क्या करती है, मार के लहूलुहान कर देती है। तो चंदन यहाँ समझ जाता है कि भैया यदि जो काम जिस समय पर करना रहता है वो कार्य हम यदि उस समय पर नहीं करते हैं तो हमको होता है लाभ के बजाय हानि होती है। ये इस नाटक का मतलब जो कहानी है, मतलब जो ये नाटक है, इस नाटक में जो बताया गया है इसका सार यही है। अब इस लेसन को मैं क्या करता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अपन देख रहे हैं यहाँ पर मल्लिका नाम की एक जो लड़की है वो क्या कर रही है, शिव स्तुति कर रही है, भगवान शिव की स्तुति कर रही है, धीरे धीरे भगवान शिव की स्तुति कर रही है और लड्डू बना रही है। तभी वहाँ पर चंदन प्रवेश करता है और उसे लड्डू की सुगंध जैसे ही आती है, लड्डू बनने की सुगंध आती है, तो क्या करता है दौड़ा दौड़ा अंदर आता है कमरे में और क्या करता है लड्डू को उठाकर खाने का प्रयास करता है। तभी उसकी मतलब जो वाइफ रहती है मल्लिका कहती है कि लड्डू को छुओ मत, लड्डू को छुओ मत। तो चंदन कहता है कि भैया मैं लड्डू को क्यों नहीं छू, जब इतनी अच्छी सुगंध आ रही है तो लड्डू को खाए बिना मैं कैसे रह सकता। तो बोल रहा है मल्लिका बोलती कि भैया ये लड्डू जो है अभी मैं प्रसाद के लिए बना रही हूँ, ये लड्डू क्या के लिए बना रही हूँ, मैं प्रसाद के लिए बना रही हूँ। तो चंदन कहता है कि भैया एक काम करो, जल्दी से भगवान को प्रसाद चढ़ा दो और मुझे लड्डू दे दो। तो वो बोलता है कि ये प्रसाद तुम्हें अभी खाने को नहीं मिलेगा, अभी खाने को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि कल मैं अपनी सहेलियों के साथ कहाँ जा रही हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर जा रही हूँ, वहाँ हम गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद जो है प्रसाद मिलेगा। तो वो कहता है कि चंदन बोलता है कि एक काम करो तुम भी मुझे अपने साथ लेकर चलो। तो बोलता है कि जो मल्लिका उसकी सहेली का नाम क्या है, चंपा है, गोरी है, माया है, मोहिनी, कपिला है, उनने क्या ये जब साथ जा रही है, जब ये केवल लेडीज साथ में जा रही है तो तुम्हारे जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो वो चंदन जो थोड़ा सा निराश हो जाता है, चलो ठीक है, चंदन उससे बोलता है चलो ठीक है तुम यदि जाना चाहती हो तो तुम जा सकते हो, जब तुम्हारे मन में इच्छा यदि कर ली वहाँ पर जाने की तो तुम क्या करो अपनी सहेलियों के साथ चली जाओ और तुम्हारी यात्रा क्या हो मंगलमय हो। तो वो तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो ऐसे चंदन सोचता है। फिर मल्लिका अपनी सहेलियों के साथ अगले दिन यात्रा पर सुबह जाती है और जाने से पहले चंदन को हिदायत देती है कि भैया अब क्या करना, कि मैं तो जा रही हूँ, 7 दिन तक जो है घर की जवाबदारी जो है किसके ऊपर रहेगी, तुम्हारे ऊपर ही रहेगी, सुबह का नाश्ता भी तुमको बनाना है, गाय का दोहन मतलब गाय का दूध भी तुमको निकालना है, इस प्रकार जो है पूरा घर की जो व्यवस्था है वो है तुमको करना ही पड़ेगी। चंदन सोचता है कि ठीक है तुम चले जाओ। फिर चंदन सोचता है कि अब घर का सारा कार्य जो मुझे ही करना है, मैं क्या करूँगा, स्त्री वेश धारण कर लूँगा, सुबह का नाश्ता बनाऊँगा, गाय का दूध निकालूंगा। तभी यहाँ पर क्या होता है, वो स्त्री वेश धारण में कर लेता है, तभी उमा नाम की एक लड़की आती है, वो कहती है मामी मामी। अचानक चंदन जो रहता है किसके कपड़े पहन लेता है, मल्लिका के कपड़े पहन लेता है, स्त्री शरीर का दिखता है। तो पीछे से अपन वो बैक साइड से देखती है, लड़की कहती है मामी मामी। तो वो चंदन बोलता है कि मामी नहीं, मैं तो मामा हूँ, क्योंकि बोलो क्योंकि हमारे घर में महीने के अंत में क्या होने वाला है, एक महोत्सव होने वाला है और दादाजी ने बोला है कि हमें कितने लीटर दूध की आवश्यकता है, 300 लीटर दूध की आवश्यकता है और ये दूध की व्यवस्था जो है तुमको ही करना है। चंदन सोचता है कि अरे वाह 300 लीटर दूध जो मैं बेचूंगा तो क्या हो जाऊंगा, माला माल हो जाऊंगा। उन वो फिर वो उमा से बोलते हैं कि उमा एक काम करना, दादाजी से बोलना कि
दादाजी से बोलना कि अब जो है दूध की व्यवस्था जो है वो मैं कर दूंगा। उमा वहाँ से चली जाती है। फिर चंदन बड़ा ही खुश होता है, उनने कहा कितनी अच्छी बात है 300 लीटर दूध। वो हिसाब किताब करने लगता है और सोचता है कि इतना सारा दूध जो है मैं एक साथ बेच कर क्या हो जाऊंगा, धनवान हो जाऊंगा। तो वो गौरी के पास, गाय का नाम सॉरी वो नंदिनी के पास जाता है। गाय का नाम क्या है? नंदिनी। नंदिनी के पास जाता है, नंदिनी को प्यार करता है और पुचकार करता है कि तेरी कृपा से मैं क्या हो जाऊंगा, धनवान हो जाऊंगा। फिर उसके मन में विचार आता है कि यदि मैं रोज के दूध निकालूंगा तो इतना लीटर जो है महीने के अंत तक दूध जो है सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा। ऐसा फिर उसके मन में एक विचार आता है, क्यों ना एक काम करूं, मैं सारा अभी रोज दूध नहीं निकालूं बल्कि क्या करूंगा, सारा दूध जो है महीने के अंत में निकाल लूंगा। ऐसा सोचता है वो, फिर क्या करता है, गाय का दूध दूना वो बंद कर देता है। 7 दिन बाद जो है मल्लिका अपनी सहेलियों के साथ आ जाती है। मल्लिका अपनी सहेलियों के साथ वापस अपने घर आ जाती है। चंदन को कहती है कि लो प्रसाद खाओ। चंदन प्रसाद खाता है और बोलता है कि मैं तुमको काशी विश्वनाथ की कृपा से तुम्हारी यात्रा कैसी रही, मंगलमय रही, मैं तुम्हें एक और अच्छी बात सुनाता हूँ। तो मल्लिका पूछती है कि मैंने यात्रा कर ली, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, बताओ। क्योंकि हमारे गाँव के जो प्रधान है उनको क्या है, दूध की आवश्यकता है। महीने के अंत में उनको 300 लीटर दूध, मतलब क्या है, 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। और अपन ने क्या करा है कि जो है गाय का दूध दूहना बंद कर दिया है। जब क्या होगा, महीने का अंत होगा तो अपन क्या करेंगे, सारा गाय का दूध जो है वो एक साथ निकाल लेंगे। तो वो मल्लिका सोचती कि वाह स्वामी, तुम तो बड़े ही चतुर हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि यदि हम रोज रोज दूध निकालेंगे दूध को जो है इतने लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, इसलिए हमने सोचा है कि अपन क्या करेंगे, गाय का दूध जो है महीने के अंत में ही निकालेंगे। तो वो इस प्रकार क्या करते हैं, डेली गाय की क्या करते हैं, गाय को गुड़ खिलाते हैं, घास खिलाते हैं, उसके सिरों सिंगों पर क्या करते हैं, तेल का लाभ लेप लगाते हैं, और शाम को करते हैं गाय को तिलक करके उसकी आरती करते हैं। अब 20-25 दिन हो जाते हैं तो फिर सोचते कि अपन इतना सारा दूध निकालेंगे गाय में, तो वो कुम्हार के पास जाते हैं। कुम्हार का नाम क्या रहता है, देवेश। कुम्हार वो देवेश रहता है, वो क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है और सोचता है कि जिस प्रकार ये मिट्टी जो है, ये घड़ा जो है एक दिन टूट जाएगा, उसी प्रकार का है जो मानव का शरीर है, ये भी एक दिन समय आएगा तो क्या हो जाएगा, एक दिन मानव भी इसी प्रकार मिट्टी के घड़े के समान टूट जाएगा। तभी वहाँ पर ये जाता है, चंदन जाते हैं और मल्लिका जाते हैं और कहते हैं कि दादाजी हमको क्या है, आपके घड़े चाहिए, 15 घड़े चाहिए। तो उनने क्या, मैं ले लूँ क्या? तो उनने क्या, जो कुमार बोलता है कि भैया जो मैंने घड़े बनाए हैं बेचने के लिए ही बनाए, तुमको 15 घड़े चाहिए तो एक काम करो 500 रुपये दे दो। तो वो बोलता है कि भैया मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो कुमार बोलता है कि बगैर पैसे के मैं क्या करूँगा, तुमको घड़े नहीं दे पाऊँगा। तो मल्लिका अपने जेवर उतार के देती है, अपने आभूषण उतार के देती है कि यदि आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत हो तो एक काम करो, ये जो मैं अपने क्या करती हूँ, गहने आपको दे देती हूँ। तो कुमार बोलता है कि भैया मैं ऐसे पाप कार्य नहीं कर सकता, यदि तुमको वास्तव में घड़े की आवश्यकता है तो एक काम करो, ये घड़े ले जाओ, तुम्हारा दूध बेच देना, और उसके बाद क्या करना, मेरे जो है उसके घड़े के पैसे दे देना। फिर दोनों जो है वो वहाँ से घड़े लेकर चले जाते। वो दिन भी आता है जिस दिन का उनको इंतजार रहता है। आसपास मतलब जिनको दूध की आवश्यकता है वो लोगों बैठे रहते हैं, और आसपास के जो गांव वासी रहते हैं वो भी क्या करते हैं, देखते हैं कि भैया जो है ये नंदिनी गाय किस प्रकार जो है वो दूध देगी। तो क्या करता है, चंदन क्या करता है, नंदिनी के पास जाता है, उसको प्यार से पुचकारता है और क्या करता है, उससे दूध देने की प्रार्थना करता है। जैसे ही वो दूध निकालने का क्रम शुरू करता है, दूध दूहने का क्रम शुरू करता है, तो नंदिनी क्या करती है, उसको एक पैर से करती है लात मार देती है। चंदन जो है घड़े के ऊपर गिर पड़ता है, वो फिर से बोलता है कि नंदिनी मुझे दूध की आवश्यकता है, मुझे दूध दो। तो जैसे ही वो वापस दूध दूहने का कार्य प्रारंभ करता है, वापस फिर क्या होता है, नंदिनी क्या करती है, उसको पैर से अपने बार बार पैर से मार मार के क्या करती है, उसको लहूलुहान कर देती है। तभी वो मल्लिका को आवाज़ लगाता है, मल्लिका दौड़ती मतलब चंदन की आवाज़ आती है, तो चंदन कैसा हो जाता है, उसके पैर से लहूलुहान हो जाता है, चिल्लाता है, मल्लिका का वहाँ पर प्रवेश होता है। मल्लिका वहाँ आती है और बोलती है क्या हुआ स्वामी, उनने क्या, ये जो है अपनी गाय है, गाय का नाम क्या है, नंदिनी जो है वो दूध नहीं दे रही है। तो नंदी अब फिर क्या करती है, मल्लिका जो है क्या करती है, नंदिनी के पास जाती है और जो है वो दूध दुहने की प्रार्थना करती है, लेकिन जो है वो जो गाय है वो दूध नहीं देती है। तो जो मल्लिका जो है वो दूर से समझ जाती है कि ये जो गाय है, क्योंकि हमने क्या करा था, इसका दूध जो है वो
यदि हमने क्या करा था, इसका दूध नहीं निकाला था, इसलिए गाय का दूध जो है वो अब सूख चुका है। मल्लिका बोलती कि स्वामी तुमने गलत किया। कैसा गलत किया कि तुमने क्या करा है, रोज का काम रोज नहीं किया, मतलब तुमने जो है दूध दुहने का काम रोज नहीं किया, इसलिए क्या है गाय का दूध जो है वो सूख चुका है। मतलब जो है गाय हमारी कैसी हो गई है, अब ये गाय जो है दूध देने वाली नहीं है। चंदन भी सोचता है, चंदन भी बोलता है कि हाँ भैया मैंने क्या करा है, गलत काम किया है। मैंने गलत काम किया है मतलब रोज का काम रोज नहीं किया। जो व्यक्ति मतलब मैंने रोज का काम रोज नहीं किया, मतलब मुझे क्या करना था, गाय का दूध जो है रोज निकालना था, और मैंने क्या करा है गाय के दूध को रोज नहीं निकाला है, इसलिए इसका जो दुष्परिणाम आया है, इसके मतलब जो ये दुष्परिणाम आया है इसके जवाबदार कौन है, हम ही हैं। वो फिर उसने बोला है जो व्यक्ति आज के काम को आज नहीं करता है, जो व्यक्ति आज के काम को आज नहीं करता है निश्चित रूप से क्या होता है, वो अपने क्रियाकलापों से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो सभी लोगों ने वहाँ पर आसपास के जो बैठे हुए लोगों ने समझते हैं कि भैया जो है सही है। वो बोल रहा है कि जो व्यक्ति यदि अपना कल्याण चाहता है, जो व्यक्ति यदि अपना कल्याण चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, अपना भला चाहता है, तो क्या करना चाहिए, उसी दिन का काम क्या करना चाहिए, उसको उसी दिन कर लेना चाहिए। यदि उस काम को उसी दिन नहीं निपटाता है तो उसको क्या होता है, लाभ के बजाय क्या होता है, हानि होती है। वहाँ पर बैठे आसपास के सभी लोगों ने जान लिया, कैसा जान लिया कि हमको क्या करना चाहिए, रोज़ के काम जो है वो रोज ही कर लेना चाहिए। काय के लिए यदि हम रोज से काम रोज नहीं करते हैं तो हमको सुख के बजाय क्या होता है, दुख की प्राप्ति होती है। इसे लेना देना है, लेना देना है, फिर अपन देखते हैं और करने योग्य कार्य, लेना देना और करने योग्य कार्य यदि हम समय पर नहीं करते हैं तो समय क्या करता है, उसका रस पी जाता है, अर्थात समय उसका रस पी जाता है, अर्थात उससे करता है उस कार्य को बनने के बजाय क्या होते हैं, वो कार्य बिगड़ जाते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए बेटा, जो भी कार्य हमको रहते हैं समय पर जो कार्य करना चाहिए वो कार्य हमको क्या करना चाहिए, तुरंत ही समय पर कर लेना चाहिए। ये इस कहानी से हमने सीखा। बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब लेसन जो है पहला क्वेश्चन है बेटा इस पाठ का, एक पदेन उत्तरम लिखन। एक पद में हमको करना है उत्तर लिखना है। मल्लिका पूजार्थ सखी भी सह पुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जा रही थी, काशी विश्वनाथ मंदिरम। मतलब मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जा रही थी, तो मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जा रही थी। उमायाः पितामहेन कति सेट कमितम दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के दादाजी को कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी, उमा के दादाजी को कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी, बेटा 300 लीटर दूध की आवश्यकता थी। आंसर में क्या लिखेंगे बेटा अपन, त्रिशत सेट कमितम, मतलब 300 लीटर दूध की क्या थी उनको आवश्यकता थी। कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति, कुम्हार घड़े को किस लिए बनाता है, कुम्हार घड़े को किसके लिए बनाता है बेटा, जीविका है तो हो, मतलब जीविका के लिए उसका प्रोफेशन यही है। जीविका है तो मतलब हर व्यक्ति क्या करता है, अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है जिसके बदले उसको पैसे मिले, और पैसों के द्वारा क्या कर सकते हैं अपन, मनवांछित मतलब जो हमारी इच्छा रहती है हम वो वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो जिसे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग, जैसे अपने पिताजी का प्रोफेशन क्या है, खेती करना, खेती के करके वो अपना मतलब जो परिवार का भरण पोषण करते हैं। मेरा प्रोफेशन क्या है कि मैं टीचर हूँ, पढ़ा कर क्या करता हूँ अपना जो है वो भरण पोषण, परिवार का भरण पोषण करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, कुम्हार क्या करता है, तो घड़े बनाता है जिसके द्वारा क्या करता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। कानी चंदनस्य जिहालो लुप्तम बदन्ते इस्म, कौन चंदन के जीभ की लालच को बढ़ा रहे थे, कौन चंदन के जीभ है उसको मतलब उसके लालच को बढ़ा रहे थे, लड्डू मोद कानी, लड्डू के सुगंध क्या कर रहे थे, चंदन की जो जीभ है उसके लालच को बढ़ा रहे थे। फिर नंदिनी यहाँ पाद प्रहारेन कह रक्त रंजित अभवत, नंदिनी के पैर के प्रहारों से कौन लहू लुहान हुआ, नंदिनी के पैरों के प्रहारों से कौन लहू लुहान हुआ था बेटा, मल्लिका हुई थी कि चंदन हुआ था, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है कह, इसलिए यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे अपन,
चंदन। चंदन क्या है? नंदी का, नंदनी के पेड़ के प्रहारों से क्या हो गया था बेटा? लहूलुहान हो गया। हाँ बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत। मतलब तो पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है, मल्लिका चंदनस्य मास पर्यंतम धेनोः सेवम कथम अकुरुताम। मतलब मल्लिका और चंदन ने महीने भर तक गाय की सेवा कैसे की? मल्लिका चंदनस्य मास पर्यंतम धेनु घासाधिकम गुड़ाधिकम च भोजयत कदाचितो विष्णयो तेल लेपयत तिलक धारयत रात्रो निर्जा निर्जा निराज नेनापि तोषयत। मतलब मल्लिका और चंदन ने महीने भर तक गाय को क्या करा? गुड़ और घास खिलाया, कभी कभी क्या करा उसके सींगों पर तेल लगाया, उसको तिलक लगाया और रात्रि में क्या करी थी? उसकी आरती करते थे। काल कस्य रस पीबती, काल किसका रस पी जाता है? काल आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यश्च क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कर्मणः रसम पीबती। मतलब काल क्या करता है? आदान प्रदान और करने योग्य समय पर करने योग्य कार्य को नहीं करते हैं तो काल क्या करता है? उसका रस पी जाता है। आदान प्रदान और जो जो समय पर कार्य करना रहते हैं, यदि हम ये कार्य आदान प्रदान का मतलब लेन देन यदि हम समय पर नहीं करते हैं, जो कार्य समय पर करना चाहिए वो कार्य यदि नहीं करते हैं तो काल क्या करता है? उस रस को पी जाता है और उसका मजा खराब कर देता है। घटः मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातु प्रयत्ते तदा कुंभकारः किं वदति। घड़े मतलब जब मल्लिका ने घड़े का मूल्य चुकाने के लिए अपने आभूषण देना चाहा तो कुम्हार ने क्या कहा? घड़े का मूल्य चुकाने के लिए जब मल्लिका ने अपने आभूषण देना चाहा तो कुंभकार ने क्या कहा? कुंभकार वदति, कुम्हार बोला, पुत्रे के नाहम पाप कर्म करोपि। मतलब पुत्री में पाप कर्म नहीं कर्म करना नहीं चाहता। कथम में पी नेच्छामि तम आभूषणम विहीन कर तुम, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हें आभूषण रहित करूँ। नैतु यथा भीषिताम घटान दुग्रम विक्रय एवं घट मूल्यम ददतु। ले जाओ जितने तुम्हें घड़े चाहिए ले जाओ और दूध बेचने के बाद क्या करना? घड़े का मूल्य चुका देना। मल्लिकाया किम दष्टो धनो हो तारणस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम। मल्लिका ने क्या देखकर गाय के मारने का वास्तविक कारण जाना? धेनो हो पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम सा पीड़ा अनुभवती स्म। एतत् सर्वं दृष्ट्वा मल्लिके धेनु ताड़नस्य वास्तविक कारणं ज्ञातम्। धेनु का क्या है? पूरे महीने तक दूध नहीं निकाला गया था, वह पीड़ा का अनुभव कर रही थी। यह सभी देखकर मल्लिका ने जो है धेनु के मतलब गाय के मारने का वास्तविक कारण को जाना। मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य किम कारणम अस्ति। महीने के अंत में ही गाय के दूध निकालने का क्या कारण था? मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य कारणम मासान्ते अधिकाधिकम दुग्धम प्राप्ति आसीत। मतलब महीने के अंत में गाय के दोहन का कारण था अधिक से अधिक दूध की प्राप्ति होना, इसलिए उन्होंने क्या कहा था? गाय का दूध नहीं निकाला था। बड़ा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित पदानी आधत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। मतलब यहाँ पर कुछ अंडरलाइंस किए हुए शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को हटाना है और प्रश्न का निर्माण करना है। अपन देखते हैं बेटा, चाहे अपना हिंदी हो, इंग्लिश हो या अन्य सब्जेक्ट हो, वहाँ पर क्या रहता है बेटा कि हमको प्रश्न दिए रहते हैं और उत्तर का निर्माण करना रहता है। लेकिन हमारा संस्कृत ऐसा शब्द है जिसमें क्या करता है, वो हमारे को उत्तर दे देता है और बोलता है हमको क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। बेटा वही शब्द हटाना है जो अंडरलाइन किए हुए हैं। जैसे यहाँ पर रखा है, मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्राएं गच्छति स्म। मल्लिका साखियों के साथ धार्मिक यात्रा पर जाती है, जाती है। तो मल्लिका क्वेश्चन मार्क कैसा जाएगा? मल्लिका का भी ही स धर्म यात्राएं गच्छति इस्म। क्वेश्चन वैसे रहेगा, मल्लिका, सॉरी अपन इसको इधर लिखते हैं, मल्लिका का भी ही मतलब किनके साथ सह धर्म यात्राएं गच्छति इस्म। मतलब मल्लिका किनके साथ धार्मिक यात्रा पर जाती है? तो उत्तर आएगा, मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्राएं गच्छति इस्म। मल्लिका सखियों के साथ धार्मिक यात्रा पर जाती है।
चंदनः दुग्धदोहनं कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्। चंदन ने दूध दोहने के पश्चात सुबह के नाश्ते का प्रबंध किया। तो क्वेश्चन कैसा होगा? क्वेश्चन यह टाना स्वप्रातराशस्य, प्रश्न के साथ होगा बेटा चंदनः दुग्धदोहनं कृत्वा, चंदनः दुग्धदोहनं कृत्वा एव कस्य प्रबंधम अकरोत्। मतलब चंदन ने दूध दोहने के बाद किसके किसका प्रबंध किया? तो सुबह के नाश्ते का प्रबंध किया। मोदकानी पूजा निमितानी रचितानी आसन, लड्डू पूजा के लिए बनाए जा रहे थे। तो प्रश्न क्या होगा? क्या लड्डू के लिए बनाए जा रहे थे? तो इसमें आएगा कानी पूजा निमितानी रचितानी आसान। क्या पूजा के लिए बनाए जा रहे थे? तो लड्डू जो है पूजा के लिए बनाए जा रहे थे। मल्लिका स्वपतिं चतुर्थम मन्यते, मल्लिका अपने पति को चतुर मानती है। तो प्रश्न कैसे होगा? मल्लिका स्वपतिम स्वपतिम कथम मन्यते, मतलब मल्लिका अपने पति को कैसा मानती है? तो मल्लिका अपने पति को चतुर मानती है। नंदिनी पदाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, नंदिनी ने पैरों से मारकर चंदन को रक्त रंजित मतलब लहूलुहान कर दिया। प्रश्न आएगा का पदाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोती, मतलब कौन ने पैरों से मारकर चंदन को लहूलुहान कर दिया। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है घटना क्रमानुसारम लिखित, मतलब हमको क्या करना है? जो यहाँ पर घटना घट रही है उनको कथा के अनुसार लिखना है। अब यहाँ पर क्या है, उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ लाइन दे दी गई है। इन आठ लाइन में हमको क्या करना है, सबसे पहले नंबर पर कौन सी लाइन आएगी? जैसे सा सखी भी सतीर्थ यात्राएं काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिगच्छती, मतलब वह क्या करती है, अपनी सहेलियों के साथ क्या करती है, तीर्थ यात्रा पर जाती है। उभो नंदिनिया सर्वविध परिचय, को सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंदिनी का परिचय प्राप्त करते हैं। उमा मासंते उत्सवार्थम दुग्ध से आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति, उमा महीने के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में क्या करके चंदन को सूचना देती है। मल्लिका पूजार्थम मोदयानी रचयन्ति, मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति, उत्सव के दिन जब वह दूध दोहने का प्रयास करता है तो नंदिनी के पैरों से लहू लुहान हो जाता है। कार्याणी समय करणी यानी इति चंदन नंदिनिया पाद प्रहरण अगच्छति, मतलब कार्य के समय को कार्य को समय के दिन ही कर लेना चाहिए। ये चंदन ने क्या करा है, नंदिनी के पैरों के प्रहार से जाना है। चंदन उत्सव समय अधिक दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोती, मतलब चंदन ने उत्सव के दिन अधिक दूध प्राप्त करने के चक्कर में क्या करा, महीने भर तक दूध का दोहन नहीं किया। चंदन पत्नी तीर्थयात्रा समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति, मतलब चंदन की पत्नी तीर्थयात्रा समाप्त करके करती है घर की ओर आती है। तो सबसे पहले अपन देखें मल्लिका पूजार्थम मोदकानी रचयन्ति, मल्लिका क्या करती है, पूजा के लिए लड्डू बनाती है। सा सखी भी सह तीर्थयात्राएं काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, सबसे पहले लड्डू बना रही है, उसके बाद क्या कर रही है, वो यात्रा पर निकल रही है। उमा मासांते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति, बट अपने को करना कुछ भी नहीं है, मैं केवल आपको संस्कृत से हिंदी में समझा रहा हूँ, आपको हिंदी में नहीं लिखना है। ये जो लाइन आगे पीछे दे दी गई है, इन लाइन को ही क्या करना है, आपको
कि पहले नंबर पे कौन सी लाइन आएगी, दूसरे नंबर पे कौन सी लाइन आएगी, तीसरे नंबर पे कौन सी आएगी। उमा महीने के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को करती है, सूचना देती है। फिर इसके बाद अपन देखेंगे चंदन उत्सव समय अधिक दुग्धम प्राप्तो मास पर्यंतम दोहनम न करोति। मतलब चंदन क्या करता है, उत्सव के समय उत्सव के दिन अधिक दूध प्राप्त करने के लिए क्या करता है, पूरे महीने तक गाय का दूध का दोहन नहीं करता है। इसके बाद में चंदन पत्नी तीर्थयात्रा समाप्यम गृहम प्रत्यागच्छति। चंदन की पत्नी तीर्थ की यात्रा पूरी करके क्या करती है, घर वापस आती है। फिर इसके बाद अपन देखेंगे उभो नंदिन्या सर्वविध परिचयम कुरुत। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, नंदिनी का क्या करते हैं, नंदिनी का पूरा परिचय प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद अपन देखेंगे उत्सव दिने यदा दो दुग्नम प्रयत्न करोती तंदिनी नादेन प्रहरती। इसमें सातवें नंबर का आएगा और लास्ट में इसमें आएगा आठवें नंबर का। एक बार फिर से देखते हैं, मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है, वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है, उमा महीने के अंत में उत्सव के लिए अधिक दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को करती है, सूचना देती है। फिर चंदन उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के कारण क्या करता है, अधिक दूध प्राप्त करना चाहता है, इसलिए पूरे महीने तक वो दूध का दोहन नहीं करता है। चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर वापस आती है। उभो नंदिन्यः सर्वविध परिचयम् कुरुत। इसके बाद अपन देखते हैं सातवें नंबर पे, उत्सव दिने यदा दुग्धम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरती। उत्सव के दिने जब वो दूध प्राप्त करने का प्रयास करता है तो नंदिनी के पैरों से लहू लुहान हो जाता है। कार्याणि समय कार्य करणीयानि इति चंदनः नंदिन्या पाद प्रहारेण अच्छति। मतलब कार्य के समय को, मतलब कार्य को समय पर ही कर लेना चाहिए, ये चंदन ने नंदिनी के पैरों के प्रहारों से जाना है। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधो लिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथ्यति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। मतलब निम्नलिखित वाक्य किसने किसके लिए कहे गए हैं, ये दिए गए शब्दों को हमको क्या करना है, दिए गए वाक्य स्थान पर हमको लिखना है। स्वामिन प्रत्यागतम अहम आस्वादम प्रसादम। मतलब स्वामी मैं वापस आ गई, प्रसाद खाओ। ये किसने बोला बेटा, मल्लिका ने किसको बोला, मल्लिका चंदन चंदनम प्रति। मतलब मल्लिका ने चंदन से कहा, धन्यवाद मातुल याम्योधुना, धन्यवाद माता, धन्यवाद मामा जी, और ऐसा कहकर चली जाती है। तो फिर इसमें कौन आएगा बेटा, उमा चंदनम प्रति, उमा ने चंदन को कहा धन्यवाद मामा जी। त्रिसेट कमितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। ठीक है, 300 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी। चंदन ने किससे कहा, उमा से कहा, चंदन उमाम प्रति, चंदन ने जो है उमा से कहा। मूल्यम तु दुग्धम विक्री एव दातुम शक्यते। मूल्य क्या करना, तुम दूध बेचकर दे देना। तो ये किसने बोला बेटा, देवेश। देवेश कौन है बेटा, कुंभकार है, देवेश है कुंभकार है। ये किसने बोला, इसने देवेश ने किससे बोला है, चंदन से बोला, उसके पास पैसे नहीं थे। पुत्री के नाहम पाप कर्मम कुरुती, पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करता। यहाँ पर भी बेटा देवेश है, मतलब कौन आएगा बेटा, कुंभकार है, मल्लिका, मल्लिकाम प्रति। मतलब देवेश कुंभकार ने किससे कहा, मल्लिका से कहा, देवी मायापी ज्ञात यद स्वामी भी सर्वानुचितम कृतम। देवी मैंने जान लिया कि हमने क्या करा है, गलत किया है। चंदन ने किससे बोला बेटा, चंदन मल्लिकाम प्रति। बड़ा ये पूरे लेसन में हमको ये बताना था कि ये कथन किसने किससे कहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठस्य आधारण प्रदत्त पदानाम संधि संधि विच्छेदम व कुरुत, मतलब पाठ के आधार पर दिए गए शब्दों की संधि करना है या फिर संधि विच्छेद करना है। अब यहाँ पर शब्द पहले से दे रखा है शिवास्ते, तो शिवास्ते का संधि विच्छेद क्या होगा बेटा, शिवाहा प्लस ते। अपन देखते हैं संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों या शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर अपन देखते हैं बेटा विसर्ग जो स्वर संधि रहते हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है, स्वर संधि को छः भागों में बांटा गया है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, आयादि संधि, यण संधि और पूर्वरूप स्वर संधि। ये सब मैंने क्या है पहले जो वीडियो बनाए थे आप उस वीडियो में इन चीज़ों को देखिए। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं शिवास्ते, शिवाहा प्लस ते, पहले शब्द के में के पीछे विसर्ग लगा इसलिए कौन संधि होगी बेटा, ये विसर्ग संधि। मनः प्लस हरः, इसमें क्या होगा दोनों को मिलाएंगे तो मनोहरः। यहाँ पर भी पहला शब्द कैसा है, पहले शब्द के पीछे विसर्ग लगा इसलिए कौन सी संधि होगी बेटा, विसर्ग संधि होगी। फिर सप्ताहन्ते, सप्ताह प्लस अंते, सप्तांते, सप्ताह प्लस अंते सप्तांते। तो बेटा इसमें अपन देख रहे हैं सब मतलब सप्ताह के अंत में कौन सी संधि आएगी बेटा, ये स्वर संधि है, नेच्छामि न प्लस इच्छामि, नेच्छामि प्लस सिंगल मात्रा बाहर है इसलिए गुण स्वर संधि है, अत्युत्तम अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, इसमें बेटा कौन सी संधि होगी, इसमें स्वर संधि होगी। रवन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठाधारण अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्ययम च संयोज्य विभज्य कुरुत, मतलब वो करना है पाठ के आधार पर यहाँ पर क्या करना है, जो प्रत्यय है उनको अलग करना है या फिर प्रत्यय को मिलाना है। अब जैसे यहाँ पर रखा है करणीयम, तो इसमें धातु क्या आएगी, धातु आएगी क्र और प्रत्यय आएगा अनियर, करणीयम मतलब करना चाहिए, धातु क्या आएगी बेटा क्र, क्र का मतलब क्या होता है करना, वी प्लस क्री प्लस लियप, जब लियप प्रत्यय इसमें क्या जाएगा विक्रिय, मतलब अपन देख रहे हैं वी उपसर्ग है, क्री धातु है और लियप प्रत्यय है। पठितम इसमें देखेंगे बेटा पठ प्लस कत, ताड़ प्लस कत्वा, ताड़ित्वा मतलब मारकर, दोग्धुम दूह प्लस तुमुन मतलब दोग्धुम। बड़ा हमारा जो क्वेश्चन ये जो लेसन है लेसन नंबर जो थर्ड है, लेसन का नाम था गो दोहन मतलब गाय का दोहन जो है वो समाप्त हो। बड़ा इसका क्वेश्चन आंसर पीडीएफ के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे।